सर्वोपद्रवनाशन सर्वसंपत्करं चैव स्वर्गमोक्ष प्रदायकं ध्यात्वा नृसिंहं देवेशं प्रेम सिंहासन स्थितं कृतास्यं विननं क्षयेन्दुसमप्रभं लक्ष्मणालिङ्गितमाहात् विभूतिविरूपाशितं चतुर्भुजं कोमलाङ्गं स्वर्णकुण्डलशोभितं उरुजशोभितो हृत्स्थं रक्तकेयूरमुद्रितं तप्तकाञ्चनसङ्काशं पीतगिरिमलवाससं इन्द्रालीसुरमौलिस्फुरन्माणिक्यदीप्तिभिः विराजितपदद्वन्द्वं शङ्खचक्रादिहेतिभिः करुणताश्च विनया स्तूयमानं मुदान्वितं सहृत्कमलसंवासं कृत्वा तु कलचम्पटे न सिंहो मे शिरः पातु लोकरक्षात्मसम्भव सर्वगोपि स्तम्भवासं बालं मे रक्षतो ध्वनि न सिंहो मे दृशौ पातु सोमसूर्याग्निलोचन स्मृति मे पातु नरहरि मुनिवर्यस्तु दिव्य नासां मे सिंहनासस्तु मुखां लक्ष्मी मुखप्रिया सर्वविद्यादिपः पातु नृसिंहो रसनामम वक्त्रं पातु इन्द्रवदन सदा प्रह्लादवन्दित नृसिंहा पातु मे कण्ठं स्कन्दौ भूभरणात्तके दिव्यास्तु शोभितभुजौ नृसिंहा पातु मे भुजौ करौ मे देववरदो नृसिंहा पातु सर्वतः हृदयं योगिनस्य निवासं पातु मे हरि मध्यं पातु हिरण्याक्ष वक्षकुक्षी निदारुणः नाभिं मे पातु मन हरि स्वनाभि ब्रह्म संस्तुतः ब्रह्माण्डकोटयः कट्यां यस्या सोपाने कटे गुह्यं मे पातु गुह्यानां मन्त्राणां गुह्यरूपदे ऊरु मनोभव पातु जाहुनी नररूपदे जन्मे बाधुधराभार हर्तायो सौम्य केसरी सुरराज प्रदः पातु पादौ मे नरगीश्वरः नृसिंहा पातु मे पादौ मे नरगीश्वरः चातुर्षं पातु मे सर्वशस्त्रनो महोग्रहपूर्वतः पातु महावीराग्रज्वलितः महाविष्णुलक्षणेतु महाजालस्तु मे ऋतु पश्चिमे पातु सर्वेषो दिशि मे सर्वतो मुख नृसिंहा पातु वायव्यां सौम्यां भीषण विग्रह ईशान्यां पातु भद्रो मे सर्वमङ्गलदायक संसार भयदः पातु मृत्युर्मृत्युर्निकेसरि इदं नृसिंहा कवचं प्रह्लाद मुखमण्डितम् दीर्घायुरुपजायते यं यं कामयति कामं तं तं प्राप्नोति संशयं सर्वत्र जयमाप्नोति सर्वत्र विजयी भवेत् भूम्यन्तरिक्षे व्यानां ग्रहाणां निवारणं वृश्चिकोरकसंभूत विशापहरणं परं ब्रह्मराक्षसयक्षाणां दूरोत्सारणपारणम् कालपत्रेवा कवचं लिखितं शुभं करं मूले धृतं येन सिद्धेयु कर्म सिद्ध्यय देवासुरमनुष्येषु संसमेव जयं लभे एकसन्ध्यं हि सन्ध्यं वा यः पठे नियतो नर सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं भुक्तिं मुक्तिं स विन्दति द्वात्रिंशतिसहस्राणि शुद्धात्मनामृणम् कवचस्यास्य मन्त्रस्य मन्त्रसिद्धि प्रजायते अनेन मन्त्रराजेन कृत्वा भस्मामि मन्त्रणम् तिलकम् धारयेद्यस्तु तस्य ग्रहभयं हरे त्रिवारं जपमानस्तु दत्तं वा याविमन्त्र च
प्राशेयं नरं मन्त्र नृसिंहाध्यानमाचरे तस्य रोगा प्रणश्यन्ति यस्य सुखि संभव किमद्रवमुनोक्तेन नृसिंहा सदृशो मरु मनसा चिन्तितं यत्तु सतच्चाप्नोत्य संशयम् गर्जन्तं गर्जयन्तं निजभुजपटलं स्फोटयन्तं अटन्तं दीप्यन्तं तापयन्तं दिविभुविदितिजं क्षेपयन् क्षिपन्तं क्रन्दन्तं रोषयन्तं दिशि दिशि सततं संहरन्तं नरन्तं वीक्ष्यन्तं गुरुणयन्तं करनिकरशत दिव्यसिंहं नमामि इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे प्रह्लाद प्रोक्तं श्रीनरसिंहाकवचं सम्पूर्णम् सर्वविघ्न विनाशन श्रीमद् भगवान् की सर्वविघ्न विनाशन श्रीमद् भगवान् की सर्वविघ्न विनाशन श्रीमद् भगवान् की भक्त श्रोमणी प्रह्लाद महाराज की भक्ति वेदांत स्वामी स्वरूपाल की स्टोन फाउंडर चल स्वरूपाल की इधाई गौरव प्रेमनंदी Yeah.
Yeah.
भगवत कथा में प्रवेश करने से पहले गुरु का गौरव से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो कुछ श्रवण करने वाले हैं उसका हमें पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है ओम तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्ट स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपरान्तिकम्। वन्देऽहं श्री गुरुः बचाता है। जब हमारी जो
फिजिकल बॉडी है, हमारा जो शरीर है उसकी कभी कोई सुरक्षा करता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति डूब रहा हो और अचानक से कोई व्यक्ति वहां पर डाइव करके अंदर आता है और उसको बचा लेता है, तो उसको कितना कृतज्ञ होता है ना वो, कि अगर आप नहीं आती तो मैं तो डूब कर मर गया होता और मेरा ये जीवन आपका ऋणी हो गया, ऐसे सोचते हैं हम जिन्होंने हमें बचाया। उसी तरह से जैसे ऐसा अगर हमारे साथ हो, हम रोड पे जा रहे हैं और कोई तेजी से कोई ट्रक आ रहा है और कोई व्यक्ति जो है वो हमें ऐसे खींच के पीछे लाता लेके जाता है और हमको कैसा लगता है, अगर आपने मुझे नहीं बचा होता तो ये कुचल के चला जाता है ट्रक। ये शरीर है हमारा जिसके लिए भगवान ने कहा आसान से जीवना नहीं आता, ये तो फटे हुए कपड़े की तरह है, उसको भी यदि कोई बचाता है तो हम कितने कृतज्ञ होते हैं उसके। और श्रीमद् प्रभुपाद जी वो है जिन्होंने हमारी आत्मा को बारंबार जन्म मरण के चक्कर से बचाया। श्रीमद् प्रभुपाद जी की कितनी बड़ी कृपा है, उन्होंने अपने अपने कंफर्ट जोन को दिया। कोई सोच सकता है, आप यही सोचते होगे ना, यहाँ पर जो स्पेशली यहाँ जो डिवोटीज है ना उनकी यही इच्छा होगी जितना स्ट्रगल करना है कर ले, फिर जब थोड़े बड़े हो जाएंगे बूढ़े हो जाएंगे फिर भगवान मुझे वृंदावन में बुला देना, मैं वृंदावन में सुख से बैठ के भजन करूंगा। होती है ना हमारी इच्छा ऐसी। वो श्रीला प्रभुपाद जी जो वृद्धावस्था में वृंदावन में राधा दामोदर के यहाँ पर एकदम आनंद से अपना भजन कर रहे थे, श्रीला रूप गोस्वामी के आशीर्वाद से वो कितना कम्फर्ट जोन में थे, लेकिन उन्होंने अपना सारा कम्फर्ट छोड़ दिया। क्या था उनके पास, क्या चाहिए था उनको, केवल उनको जीवों के प्रति जो है ना करुणा थी, जो अपने सारी सुविधाओं को त्याग कर वो पश्चिम देश में चले गए। क्यों चले गए, ऐसे बताया जाता है, बहुत ही सुंदर एक आचार्य बता रहे थे कि श्रीमद् भागवतम में भक्ति देवी ने कहा कि हे नारद, यदि इस भारत वर्ष में इस देश में मेरा सम्मान नहीं हुआ तो मैं समुद्र पार चली जाऊंगी। और भारतवर्ष में भक्ति को खिलौने की तरह, जब श्री प्रभुपाद जी ने अभी तक अपने सिद्धांत नहीं पेश किए थे, जब तक ये कृष्ण कॉन्शियसनेस इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस स्टेबल नहीं हुआ था ना, तभी भक्ति कैसे की जाती थी, कैसे प्रचार होता था। उस तरह हम भी जब तक कृष्ण कॉन्शियस में नहीं जुड़े थे ना, हमें भी यही पता था क्या भाई जिसकी भी भक्ति करो सब एक ही है। और कितना अच्छा लगता है ना कोई अगर ये बोले कि इतना ज्यादा ना आपको कट्टर नहीं होना चाहिए, सब तो भगवान के रूप हैं, आप किसी की भी भक्ति करोगे आप भगवान के पास। और हमारा सिद्धि समाज तो इतना फ्लेक्सिबल है, इसमें उसमें ये बोलते हैं भाई क्या मैं भूजे लगूजे है ना, अगर उनको इतना लगा हुआ है ना किसी की, मतलब श्रीमद् प्रभुपाद जी ने हमें ये बताया कि किसी भी की भक्ति करके आप भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। श्रीमद् प्रभुपाद जी ने ए सिटिज यथारूप जैसी आए तैसी भगवान की भक्ति में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, कोई कॉम्प्रोमाइज। देखो इनसे श्रीमद् प्रभुपाद जी से पहले भी बहुत सारे आचार्य गए थे पाश्चात्य देश में जो शिक्षा लेने के लिए गए, लेकिन वहां के लोगों को देखकर उनको ऐसे उन्होंने लिखा कि अभी तो हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ऐसे लोग जो नशा करते हैं मांसाहार करते हैं, एक ये जो चार नियम का पालन जो है वो 40 दफा एक दिन में तोड़ते हैं, उनको पता ही नहीं है क्या चीज होता है नियम का पालन करना। तो डायरेक्ट से उनको जाकर कहना नो मीट चीटिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो वाइन, नो गैम्बलिंग, तो बहुत बड़ा आक्रमण है। तो उन्होंने क्या सोचा था, जो पहले आचार्य गए उन्होंने सोचा थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे रस्ते बनाएंगे, पहले इनको जो बड़े बड़े पाप है ना वो छुड़वाएंगे, क्या करेंगे पहले तो है ना शराब छुड़वाएंगे, वो उनको अवैध संग छुड़वाएंगे धीरे धीरे। लेकिन श्रीला प्रभुपाद जी ने जाके एक बहुत बड़ा धमाका किया, यदि इसको उनको ज्वाइन करना है तो चार नियम को पालन करना पड़ेगा, चार नियम का पालन करना पड़ेगा। खाली उतना ही नहीं कि आपको नशा छोड़ना पड़ेगा, शराब छोड़ना पड़ेगा, नो वाइन, नो बियर, नो टी एंड कॉफी, ये चाय और कॉफी को भी मना करो,
पुलिस आज भी हम देखते हैं कितना कॉम्प्रोमाइज करता है ना, कोई मुझे माता भी हो सब कुछ भी हो तो चाहे ना थी समझे नहीं समझ में नहीं आता आखिर चाय ऐसा है क्या। शीला प्रभुपाल ने तो अपनी पत्नी को बोला आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा टी और मी। और आज जो है ना हम हमारे पास ये शीला प्रभुपाल जी के सिद्धांत है ना, आपको अगर कृष्ण के पास आना है तो एकदम प्योरिटी के साथ आना पड़ेगा, क्योंकि जो नियम का पालन नहीं कर सकते वो तो भक्ति कर ही नहीं सकते, ढोंग करते जो भगवान के लिए चाय नहीं छोड़ सकते, जो भगवान के लिए जो प्याज और लहसुन नहीं छोड़ सकते क्या वो भगवान को प्राप्त करेंगे। इतनी छोटी सी चीज है, मतलब क्या है उसकी कीमत। अब एक छोटी सी जीवा है उसको टेस्ट देने के लिए यदि आप इतना सा त्याग भगवान के लिए नहीं कर सकते तो क्या भगवान ने तो साफ कर कह दिया मुंजते थे त्वगम पापा ये पचन क्या प्रकार पाप कर रहे हो अगर मुझे भोजन खिला के नहीं खाते हो। और क्या कॉफी ये ना लसन प्याज भगवान को भोग लगाते हैं, रोज पाप का आहार खाते हैं और उम्मीद रखते हैं कि भगवान मिलेंगे, इतना भी यदि त्याग में। और शीला प्रभुपाद ने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, सीधा सीधा सिद्धांत बताया कि ये है मेरा सिद्धांत। क्या सिद्धांत है? चार नियम का पालन करना, 16 माला जप करना, पसंद है तो स्वीकार करो वरना मैं आपको इम्प्रेस करने के लिए नहीं आया हूँ। मुझे आपको इम्प्रेस नहीं करना है, मुझे तो कृष्ण को इम्प्रेस करना है। अगर एक भी भक्त बन गया ना, अगर एक भी भक्त मेरे आदेशों का पालन करके स्वीकार करता है ये कृष्ण कॉन्शियसनेस को, मैं समझूंगा मेरे पूरे जीवन की स्ट्रगल सफल हो गई। मैं अनुयायी बनाने के लिए नहीं आया हूँ कि इतनी बड़ी लिस्ट हो मेरे अनुयायियों की, मेरे लिए एक भक्त काफी है, लेकिन मैं अपने सिद्धांत में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। ये है और उन्होंने हमें क्या दिया है, मतलब हम उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारे डिवोशनल लाइफ में, हम सोच मतलब हमारी बुद्धि ना चक्कर खा जाए कि उन्होंने 10 साल में इतने शास्त्रों को इतने श्लोकों का अनुवाद किया है कि एक भक्त जब से पढ़ना सीखता है वो पूरा जीवन लगा दे ना उनको इन शास्त्रों को पढ़ भी नहीं सकते। उन्होंने एक कितना लोग को पहले कितने सारे हम और क्यों ले सकते हैं भाई, हमको तो संस्कृत श्लोक उच्चारण करना नहीं आते, कितने लोग बोल सकते हैं, लेकिन श्री प्रभुपाद ने 19 संस्कृत श्लोक को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दिया, इंग्लिश में जो रोमन इंग्लिश किसी भी जगह पर कोई भी आचार्य ने ऐसा नहीं किया। आप देखो बहुत सारे कॉमेंट्रेटर है ना, लेकिन किसी आचार्य ने ऐसा नहीं किया कि संस्कृत श्लोक को एज इट इज अंग्रेजी में और अंग्रेजी स्कॉन में जो सारे अंग्रेज, और उन्होंने एक एक श्लोक को लर्न किया, एक एक श्लोक को कंठस्थ किया। जो प्रभुपाद ने खाली श्लोकों को नहीं लिखा, श्लोक के एक एक शब्द के ट्रांसलेट, एक एक शब्द जो है मतलब आप अगर बोलो मत्तः परतरं नान्यः तो मत्तः का अलग होगा परतरं का अलग, एक एक शब्द को ट्रांसलेट किया। ये कितनी बड़ी देन है, हम अगर पूरा जीवन या करोड़ों जीवन भी अगर श्री प्रभुपाद जी के ऊपर निछावर कर देना, श्री प्रभुपाद जी के इन एहसानों को हम नहीं चुका सकते। इतना दिया है श्री प्रभुपाद जी ने हमें भगवद गीता के 700 श्लोक के एक एक शब्द का ट्रांसलेशन, उसके पूरे श्लोक का ट्रांसलेशन और यहाँ खत्म नहीं किया। हर जगह तो इतना ही होता है, उन्होंने पर्पण नहीं दिया है, उन्होंने भावार्थ दिया है। मतलब कृष्ण का जो भाव है, भगवान कहते हैं ना कि भाई मुझे तो केवल भक्ति भक्तिया माम अभी जानन थी, मुझे तो केवल भक्ति ही समझ सकता है, और भगवान क्या कह रहे हैं क्या चाह रहे हैं वो केवल भक्त के हृदय से ही प्रकट हो सकता है। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैंने नहीं लिखा है, वो खुद पढ़ते अपने दातुरों को और कहते हैं तो मुझे कृष्ण ने डिक्टेट कराया है, ये कृष्ण के शब्द है इसीलिए तो यथारूप लिखा गया है, इसीलिए तो एज। और मैं आपको बताती हूँ कि बहुत सारे लोग जो है ना वो गीता और भागवत पढ़कर ज्ञानी तो हो सकते हैं,
बहुत सारी कम्युनिटीज में गीता और भागवत का प्रचार हुआ, उनको हिस्ट्री तो पता चल गई, उनको ज्ञान तो पता चल गया, लेकिन भक्त यदि किसी ने बनाया तो श्री प्रभुपाद जी ने बनाया। इतने सारे आज आप देख रहे हो ना, दुनिया संसार भर में कोई कंट्री ऐसा नहीं जहां पर आपको हरे कृष्णा ना मिले, जहां पर आपको ये तिलक कंठी ये धोती ना मिले। ये सारे श्री रूपा जी का चमत्कार है। श्री रूपा की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम। आपको पता है श्री रूपा जी की व्यास पूजा कब थी? हैंड रेस करके कोई बताएगा? कृष्ण जन्माष्टमी, अष्टमी के बाद जो नवमी का दिन है उस दिन, और अष्टमी के बाद जिस दिन जन्मदिन होता है कृष्ण का, उस दिन दूसरे दिन क्या होता है? उस दिन क्या होता है? नंदोत्सव होता है। अच्छा, जब कृष्ण का जन्म हुआ तो नंदोत्सव के दिन नंद महाराज ने क्या किया? बहुत सारा चैरिटी किया, बहुत सारा दान दिया सबको। नंद बाबा जो है ना, वो दान देते किसी को हीरे, किसी को मोती, किसी को सोना, किसी को चांदी, किसी को दही, और सारे वृंदावन में बस नंद बाबा जो है ना वो दान कर रहे थे। अब ऐसा कहते हैं कि पुत्र किससे सीखते हैं, संतान किससे सीखते हैं? माता पिता से सीखते हैं। तो कृष्ण ने सोचा कि नंदोत्सव के दिन जो है वो हमें चैरिटी करनी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए? दान देना चाहिए। तो कृष्ण ने अपने खजाने का पिटारा खोला और देखा मेरे पास सबसे कीमती वस्तु कौन सी है। और जब कृष्ण ने अपने खजाने में देखा तो उनको सबसे कीमती जो रत्न दिखा वो है शिला प्रभुपाद। और नंदोत्सव के दिन अपने पिता के आदेशों का पालन करते हुए, उन्हीं को उन्हीं का पद का अनुकरण करते हुए, जैसे नंद बाबा अपने कीमती खजाने को लुटा रहे थे, कृष्ण ने अपने कीमती खजाने को लुटाया और श्री प्रभुपाद जी हमें भेंट कर दिया। आपको पता है श्री प्रभुपाद जी जो है वो हमारे लिए कृष्ण का सबसे सुपर गिफ्ट है। कृष्ण के पास ना इनसे बढ़कर और कुछ है भी नहीं देने के लिए, क्योंकि वो जो आपको कृष्ण प्रदान कर सकते हैं वो कृष्ण प्रभुपाद जी। ऐसा काली में कहे नहीं रही हूँ, श्री प्रभुपाद जी ने स्वयं अपने मुख से बताया है कि मुझे कृष्ण ने आदेश किया कि तुम जाओ पृथ्वी पर, तुम धरती पर जाओ और मेरा संदेश दो। और मैंने कृष्ण को कहा कि कृष्ण इस कली काल में सारे लोग माया में ग्रस्त है, तो वो मेरे संदेश को सुनेंगे क्या? तो कृष्ण ने कहा तुम्हें पता है कि गीता और भागवत मेरा ही स्वरूप है और मेरे नाम में और मुझ में कोई फर्क नहीं है, तुम ऐसा करो मेरे नाम को प्रदान करो, जहाँ जाओ ये हरे कृष्ण महामंत्र की ध्वनि ये गूंजनी चाहिए। और ये तो चैतन्य महाप्रभु हजारों साल पहले भविष्यवाणी करके गए थे, पृथ्वी ते आज यथा नगरादि ग्रामा सर्वत्र प्रचार होइ मोर नाम। ये पृथ्वी पर जितने भी नगर और गांव हैं वहां पर एक दिन मेरा प्रचार अवश्य होगा। श्री गोपाल जी कितने वृद्धावस्था में जब जाए, कितना तो श्री गोपाल जी ने संकटों का सामना किया। आपको क्या लगता है, हमको बोलने में कितना सरल लगता है कि 10 साल में 12 बार पूरे ग्लोब का चक्कर लगाया और 108 मंदिरों को तामीर किया, ऐसे बोलने में कितना सरल। आप सोच सकते हो एक मंदिर स्थापित करना, ये करा जी है ना, कितना बड़ा स्किल है ना। और भक्तों की कोई कमी है क्या? भक्त भी बहुत सारे समुद्र की तरह निकलते हैं, लेकिन एक भी ढंग का मंदिर अभी तक नहीं बना। जिसे बोला जाए, जैसे श्री प्रभुपाद जी ने इतने बड़े बड़े भव्य मंदिर है, आप देखो वृंदावन में श्री राधा श्याम सुंदर कृष्ण बलराम का मंदिर है, मायापुर में जाकर देखिए तो राधा माधव पंचतत्व का मंदिर है, हर एक कंट्री में जाए, वहां सिडनी में जाइए तो गोपीनाथ का मंदिर है, मुंबई इतना बड़ा सिटी है वहां पर जाइए राधा रास बिहारी है, हर जगह पर इतने भव्य मंदिर है। ऐसा नहीं कि बस मंदिर बना दिए, चार दीवारी है, बस छोटा सा भवन बना दिया, उसके अंदर रख दिए भगवान और पूजा हो रही। मंदिर बनाए भगवान के लिए और भगवान के जैसे ऐश्वर्यमय,
आज भी मंदिर में जाते हैं तो लगता ही नहीं है कि वृंदा गौलोक वृंदावन नाम इससे कोई अलग हो सकता है। तो श्री प्रभुपाद जी ने क्या ऐसे इतना सरलता से किया होगा? आपको पता है श्री प्रभुपाद जी इतना मेहनत करते थे, इतना मेहनत करते थे कि जब वो बैकबोर्ड में लिखते थे और उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जाना होता था या पेपर लेने के लिए जाना होता था, वो एक एक रुपया बचाने के लिए पैदल जाते थे, लोकल बसों में जाते थे ताकि जो डोनेशन मिलती है वो भगवान की सेवा में यूटिलाइज हो सके, मेरे ऊपर यूटिलाइज ना हो। यहाँ तक कि आपको पता है कि श्री प्रभुपाद जी, वो अगर कोई उनको बोलता था ना मैं डोनेशन दूंगा, थोड़ी सी डोनेशन, एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति ने कहा, तो आज से बहुत 50-60 साल पुरानी बात है, तो ये थोड़े से पैसे भी बहुत होते थे, तो किसी ने कहा प्रभुपाद जी आप मेरे ऑफिस आ जाइएगा, मैं दान दूंगा भगवान के लिए, सेवा के लिए 5 रुपए दान दूंगा। कितने? 5 रुपए दान दूंगा। श्री प्रभुपाद जी वहां से आए हैं और चल के वहां पर बैठे, बाहर एक बेंच लगा हुआ था, वो अंदर मीटिंग में थे। सुबह 11 बजे आए और कुछ खाए पी भी नहीं, दोपहर के 3 बज गए और एक व्यक्ति वहां से गुजर रहे थे जो उन्होंने सुबह को भी देखा और बाद में देखा, बोला स्वामी जी आप अभी तक बैठे? बोला हाँ, उन्होंने प्रॉमिस किया था दान का, वो अभी तक मीटिंग से आए नहीं। कितना उन्होंने किया है, कितना सहन किया है। और जब वो वापस आए तो वो भी बहुत इम्प्रेस हुए कि कैसे भक्त है कि इनको इतनी देर मैंने वेट कराया। और बोला मैंने आपको 5 रुपए का दान का प्रॉमिस किया था, मगर मैं आपको आपकी सरलता, आपकी विनम्रता को देखकर मैं इतना इम्प्रेस हो गया हूँ, अब मैं आपको 10 रुपए का दान दूंगा। और श्री प्रभुपाद जी बहुत खुश हुए। लेकिन फिर उन्होंने कहा, श्री प्रभुपाद जी ने उनसे कहा, क्या आप हर महीने दोगे? मतलब मेरा ये मिशन जो है ना वो एक दिन का नहीं है, ये कंटिन्यूस चलने वाला है, आप लाइफ मेंबर बन जाओ और मुझे हर महीने सपोर्ट करो ताकि मैं कृष्ण के इन संदेशों को सब तक पहुंचा सकूं। कितना किया विश्व प्रभुपाद जी ने। ये जैसे मैं बता रही थी कि भक्ति महारानी ने कहा कि मैं पाश्चात्य देश में चली जाऊंगी और शीला प्रभुपाद जी ने भक्ति महारानी के इस वाक्य को सत्य करने के लिए भक्ति महारानी को हृदय में बिठा कर पाश्चात्य देश में लेके गए। और वहां पर जब श्री प्रभुपाद जी ने प्रचार किया और अपने व्हाइट एलिफेंट्स को यूं जो नृत्य करते थे, जो हरिनाम का संकीर्तन करते थे, और कैसा उन्होंने बनाया उनको, धोती पहन के तिलक लगा के सिखा करके जब वो नृत्य करते थे, और जब श्री प्रभुपाद जी ने कहा अब ये भक्ति इम्पोर्टेंट होकर भारत में जाएगी, क्योंकि भारतवासी जो है ना लोकल वस्तुओं को खरीदते नहीं, इम्पोर्टेंस नहीं देते, वो बोलते हैं इम्पोर्टेंट होगी तो चाहिए होगी। और जब देखते श्री प्रभुपाद जी की इस चमत्कार को कि वो ऐसे अंग्रेजों को किस तरह हमारी संस्कृति, हमारी गीता, हमारी भागवत, हमारी संस्कृति, हमारा पहनावा वो करने आ रहे, तब भारतवासियों ने उसे स्वीकार किया। तो आज हमारे पास किधर भी आप चले जाओ, किसी भी कंट्री में चले जाओ, एक शेल्टर मिलेगा आपको श्री प्रभुपाद जी का, एक इस्कॉन टेम्पल मिलेगा। चाहे हमारे बच्चे कहीं फॉरेन में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, चाहे कहीं पर भी जा रहे हैं, उनको हमारी सभ्यता मिलेगी। मेरा ऋषिकेश भी गया ऑस्ट्रेलिया में और उसने दिखा वीडियो, मतलब वीडियो में मुझे दिखा रहा, लाइव दिखा रहा, मम्मी देखो यहाँ पर कितना भव्य है ना, इस्कॉन वालों ने किया है जन्माष्टमी का प्रोग्राम और इतना भव्य फीस, मतलब आपको टेंशन ही नहीं है। श्री प्रभुपाद जी ने हर जगह एक प्रोटेक्शन दे दिया, हर जगह एक सुरक्षा दे दी कि आप हमारी संस्कृति कहीं पर भी यो सरलता से आप पालन कर सकते हो, आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। कि श्री प्रभुपाद जी ने हमारे लिए कितना कुछ किया, और ये केवल उन्होंने तो जितना किया, लेकिन श्री प्रभुपाद जी की जो डिसाइपल्स हैं, श्री प्रभुपाद जी के जो अनुयायी हैं, उन्होंने श्री प्रभुपाद जी के इस मैसेज को इतना अच्छे से सारे संसार में, श्री प्रभुपाद जी आज से इतने समय से यहाँ पर नहीं है भले वो सशरीर, लेकिन उनके अनुयायी ने श्री प्रभुपाद जी के इस मिशन को बहुत ही सुंदर रीति से प्रचार किया आज। लेकिन मेरे लिए जो सबसे ज्यादा एंजाइटी की बात है, जो हम सबके लिए बहुत दुख की और करुणा की बात है, वो क्या है,
कि आज श्रील प्रभुपाद जी के जितने भी डायरेक्ट डिसाइपल्स हैं, श्रील प्रभुपाद जी के जितने भी शिष्य हैं, वो सब 70 को क्रॉस कर गए हैं। अधिकतर तो अपने गौरव वृंदावन धाम में वापस सत्य लीला में प्रवेश कर गए हैं, लेकिन जो बाकी भी है ना वो 70 को क्रॉस कर गए हैं। और ये शरीर का एक ऐसा नियम है, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृत्यु, एक ना एक दिन तो सबको जाना ही है। तो श्रील प्रभुपाद जी की जो अनुयायी है आज 70 को क्रॉस करके भी क्या कर रहे हैं, आपने देखा पूरे जो है ना विश्व में प्रचार कर रहे हैं, पूरे विश्व में कहीं पद यात्रा हो रही है, कहीं रथ यात्रा हो रही है, कहीं मंदिर स्टेबल हो रहे हैं, कहीं क्या हो रहा है। लेकिन आप सोच सकते हो कि आज के बाद 10 साल के बाद 20 साल के बाद क्या होगा। श्रील प्रभुपाद जी की जो डायरेक्ट डिसाइपल्स हैं वो हम सबसे बिछड़ जाएंगे, वो अपने आध्यात्मिक जगत में जाकर अपने नित्य लीला में चले जाएंगे। उसके बाद ये इस्कॉन को संभालने की जिम्मेवारी किसकी है, श्रील प्रभुपाद जी के इस मिशन को संभालने की जिम्मेदारी किसकी है। आज हमें जो श्रील प्रभुपाद जी ने दिया है वो श्रील प्रभुपाद जी ने इसलिए दिया है क्योंकि इसको फैलाना है। ये जिम्मेदारी हम सबको प्रत्येक जो श्रील प्रभुपाद जी के अनुयायी हैं, जो कि हरिनाम का जप करते हैं, उनकी ये जिम्मेदारी है कि इस मिशन को अपने कंधों पर ले और ज्यादा से ज्यादा एकदम है ना निरपराध भाव से, कोई भेदभाव ना करके हमको इस मिशन को आगे बढ़ाने का काम करना है। अब हम लोग अगर आपस में ये सब करते रहेंगे तो कैसे हम आगे बढ़ेंगे। हमको खाली कृष्ण के लिए सेवा करनी है, हमको श्री प्रभुपाद जी के लिए सेवा करनी है, क्योंकि आपके चाहे कोई भी गुरु महाराज है उनका यही आदेश है कि आप श्री प्रभुपाद जी के आदेशों को पालन करो। अगर आपके गुरु महाराज इससे हटकर कोई बात कर रहे हैं तो वो तो सत्य हो ही नहीं सकता। आपको लगता है श्रील प्रभुपाद जी के आदेशों को पालन करना और श्रील प्रभुपाद जी के नियमों को पालन करना यही हम सब भक्तों का एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए। और क्या ऐसे खुश नहीं होंगे हमारे गुरु महाराज कि हम सब मिलकर एक साथ श्रील प्रभुपाद जी के इस मिशन को आगे बढ़ाए। तो हम सबको इस बारे में विचार करना चाहिए कि हम सब श्रील प्रभुपाद जी के कृतज्ञ हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने हमें बहुत कुछ दिया है और इसके बदले में हम केवल प्योरिटी से जितना हमारा केंद्र है उस केंद्र में अच्छे से श्रील प्रभुपाद जी के आदेशों का पालन करें और इन आदेशों को फैलाएं। तो आप सबका बहुत बहुत आभार जो आप सबने इतना प्रेम और श्रद्धा से श्रवण किया। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने जीवन में कुछ ऐसा कर सकूं जिससे मैं श्रील प्रभुपाद जी को खुश कर सकूं। नित्य लीला प्रवेश अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की इस्कॉन फाउंडर जय श्री प्रभुपाद की। श्री प्रभुपाद जी का एक ही आदेश है, कुछ भी हो जाए, कोई भी मन मोटाव हो, कोई भी हृदय में बात हो, भक्तों को साथ मिलकर चलना चाहिए। नेवर एवर लीव इस्कॉन। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। अब हम श्री प्रभुपाद जी की याद पूजा करेंगे और आप सबसे निवेदन है कि श्री प्रभुपाद जी से प्रार्थना कीजिए कि हम उनके आदेशों का पालन कर सकें और निरपराध भाव से हरिनाम को जप कर सकें। थैंक यू सो मच। सर्व विघ्न विनाशक श्रीमदे भगवान की, सर्व विघ्न विनाशक श्रीमदे भगवान की, सर्व विघ्न विनाशक श्रीमदे भगवान की, भक्तवत्सल श्रीमदे भगवान की, भक्त श्रोमणी प्रहलाद महाराज की, नित्य लीला प्रवेश डिवाइन ग्रेस अभय शरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की, स्टॉक फाउंडर जय श्री प्रभुपाद की, गौर प्रेम नंदी। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। बंद करके शुरू से बोलो।